तो अब जो उम्मीद है पब्लिक का कि शायद ये जो रोड बच गए हैं वो भी करवाएंगे, तो क्या वो कंप्लीट हो जाएगा आपके कार्यकाल में? जी, 2.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा जी। 2.5 साल में मैंने बहुत काम कराए, मेरा उनके साथ सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर। मैं दोबारा से लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें दोबारा मौका दें, हम इस क्षेत्र के लिए जितना भी बचा हुआ कार्य, जितने रास्ते बचे हुए हैं, पूरा कराने का काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज, मैं हूं अजय चौधरी। इस वक्त हम मौजूद है कैराना विधानसभा में खुरगांव गांव के अंदर। हमारे साथ मौजूद है अक्रम जी, हैं हमारे साथ अक्रम चौहान जी, हैं हमारे साथ मौजूदा प्रत्याशी, यहाँ के पंचायत सदस्य हैं। इनसे बात करना चाहेंगे, इन्होंने अभी तक का इनका जो कार्यकाल था, कितना इन्होंने काम किया है, कितना इन्होंने जनता के विश्वास पे खड़े उतरे हैं, जिस वजह से इनको जनता चुने थे, क्या इन्होंने उस पे काम किया है नहीं किया है, इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। इनसे बताइए सर, कुछ किया है आपने? मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 10 अक्रम चौहान, मैंने जो है उपचुनाव लड़ा था 2018 में जी, जब सांसद जी यहाँ से थे, उनका देहांत होने के बाद हमारी विधानसभा इस पे वार्ड नंबर 10 जिला पंचायत पे दोबारा चुनाव हुआ उपचुनाव। उस चुनाव में लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सहयोग दिया और मैं जीत गया जी। उसके बाद मैंने अपने कार्यकाल में 7 सड़कें यहाँ बनवाई हैं। 7 सड़कों में खुरगान से मंडावर, बंजारा बस्ती से वहाँ से जंदेड़ी मार्ग तक जी, और खुरगान से बांध तक मोहम्मदपुर राई, यहाँ से एक गांव है, उन्होंने मेरे से बहुत बहुत भरपूर समर्थन दिया, बहुत वोट दिया। सबसे ज़्यादा वहाँ से मुझे पूरी वार्ड नंबर 10 के सबसे ज़्यादा वोट जो है मोहम्मदपुर राई से मिले थे, बहुत सहयोग मिला था। वहाँ मैंने 3 सड़कें वहाँ बनवाई और 2.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा जी। 2.5 साल में मैंने बहुत काम कराए और आगे भी अगर मुझे दोबारा से मौका मिला जी, अब मैं ग्राम पंचायत खुरगान प्रधान पक्ष पद का उम्मीदवार हूँ जी, और मैं आने वाले समय में गांव के जितने भी मेरे से, जितनी भी उन्होंने उम्मीदें मेरे से लगाई हुई हैं जी, मैं उन पर खरा उतरने का काम करूँगा। उनका एक क्वेश्चन है आपसे, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, देखा बहुत सारे ऐसे रोड है जो सही नहीं है, आप पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद कुछ काम ऐसा है जो नहीं कर पाए हैं, तो अब जो उम्मीद है पब्लिक का कि शायद ये जो रोड बच गए हैं वो भी करवाएंगे, तो क्या वो कंप्लीट हो जाएगा आपके कार्यकाल में? अब तो कोई कार्यकाल नहीं बचा है, नहीं, जो आने वाले आने वाले समय में मैं अपनी वो बता रहा हूँ, जो मेरे वो है, जो भी कार्य बच गया है, जितनी भी सड़कें बच गई हैं जी, जिस तरह का भी विकास यहाँ होना है, मुझे एक ज़मीनी स्तर से यहाँ के विकास के बारे में पता है, लोगों के काम के बारे में पता है, मैं गांव-गांव जाकर सब चीज़ों की सारी समस्याओं को देख रहा हूँ, और मैंने वही समस्या जितनी भी कराई है, जो आज तक 40-40 साल तक दोबारा उन पर ईंट नहीं लगी, जिन रास्तों पर कभी कोई आने का दोबारा विकास नहीं हुआ जी, पूरे गांव को मैंने उन्हीं रास्तों को ज़्यादा चिन्हित करके 8 की 8 सड़कें बनवाई हैं, और मैं आने वाले समय में भी जितना मेरे से विकास बच गया वो पूरा कराऊंगा। खादर का क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, मैंने आ रहा था, मैं देखा था बहुत ऐसे गांव हैं, गलियां हैं जो ठीक से नहीं बनी हुई हैं, इसका कारण क्या है? मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो आज से तकरीबन 40-45 साल से जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के थे, ये हमारा इलाका जो है खादर का बोला जाता है, जमुना की खादर का है जी, और यहाँ पर इन लोगों ने जो पिछले भविष्य की राजनीति थी उसमें उन लोगों को बहुत बहुत सहयोग दिया जी, मगर उन लोगों ने हमारे इस खादर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, विकास के लिए कोई वो नहीं कराया। अब आगे युवा पीढ़ी जो है उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मुझे 2.5 साल का मौका मिला, जितने जो मेरे क्षेत्र में काम हुए जी, उसको कहीं भी आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं क्षेत्र के लोगों से, और आने वाले समय में भी हम जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 के दोबारा से मेरे चचा जी अयूब जंग ब्लॉक प्रमुख कैराना, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कैराना, दोबारा से इस क्षेत्र से, इसी वार्ड से जी, जिला पंचायत सदस्य का
के प्रत्याशी हैं और मेरा उनके साथ सहयोग कंधे से कंधा मिला के मैं दोबारा से लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें दोबारा मौका दें, हम इस क्षेत्र के लिए जितना भी बचा हुआ कार्य, जितने रास्ते बचे हुए हैं, पूरा कराने का काम करूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो काम आपके से बच गया है, रह गया आपके कार्यकाल में, आगे अगर आपको जनता दोबारा मौका देती है तो काम आप पूरा कम्प्लीट करवा देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी कार्य यहाँ बचा हुआ है जी, देखो मैं सोचता हूँ समझता हूँ कि जितने भी यहाँ भूतपूर्व में वो रहे हैं, हमारे इलाके को सबसे बड़ी जी, यहाँ से जनप्रतिनिधि कह लो या भाई किसी उसके कह लो या माफियाओं के जो कह लो, हमारे क्षेत्र को सबसे ज्यादा जो है नशे की धुंध में डाला गया है और सबसे बैकवर्ड इलाका हमारा हो चुका, खास तौर से उसमें मुसलमान गुजर इतना पिछड़ चुका, इतना पिछड़ चुका, ये क्षेत्र जो है ना जमुना के खादर का जो क्षेत्र है ये एक मुसलमान गुजर का क्षेत्र है बिल्कुल, और यहाँ पे नशे की इतनी बुरी हालत हो चुकी, इतना बुरा वो हो चुका कि हम सभी लोगों से, प्रशासन से भी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी, ग्राम प्रधानों से भी, सबसे यही अपील है हमारी कि इस नशे को रोका जाए, इन लोगों की नस्लें खराब ना हो, इससे बचा जाए। इसके लिए कुछ आपने काम किया है इसके ऊपर, जो नशे के आदि हो रहे हैं यहाँ के नौजवान हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि उड़ता पंजाब दोबारा से कैराना बनता जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोगों को, जब तक हम लोग अपने जितने भी जिम्मेदार लोग हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की, एजुकेशन जब तक नहीं होगी जब तक यहाँ का सुधार नहीं होगा। सबसे दिक्कत यह है जब तक यहाँ के बच्चे, आज के टाइम में मेरा ये कहना है कि आधी रोटी खाओ पूरी ना खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल, बहुत ही, बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे तो सब समझेंगे कि अच्छा बुरा क्या है, नशे से बचना है या नहीं बचना है, सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से पता चल जाएगा, तो वो इस चीज़ को धीरे धीरे सब खत्म करवाएंगे, और युवा जितने भी हैं जो पढ़े लिखे हैं वो समझने लगे, और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली पुलिस में भी, मिलिट्री में भी, बाहर अदर्स उसमें भी, जॉब में भी जा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पहले के मुकाबले धीरे धीरे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया चौहान साहब ने हमारे को कि यहाँ पे नशे के आदि हैं, कुछ कारण ऐसा है जिसके वजह से यहाँ पे लोग नशे में हो रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, चौहान जी बता रहे हैं आने वाले कार्यकाल में इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा, जैसा चौहान जी हमारे से भरोसा दिला रहे हैं हमारे को, इनसे जनता कितना खुश है, हम जनता से ही बात करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, जनता की राय क्या है इनके ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब है जी। अकम चौहान जी ने यहाँ पे जो काम किया इससे संतुष्ट हैं आप? देखो इनसे तो हम काफ़ी संतुष्ट हैं, इनकी जो एक परंपरा, इनकी एक पीढ़ी चलती आ रही है, इनके जो दादाजी थे मुखिया फतजंग के नाम से फेमस हुए और जनता के लिए बहुत सखी थे, उनके खाना खिलाने में, खैरात करने में, सदका करने में जनता के बहुत प्रति और नज़दीक रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए थे? जुड़े हुए थे इनसे, और इनके स्वयं इनके पिताजी हैं वो भी प्रधान, चार योजना लगातार प्रधान रहे, और फिर उनके बाद में इनके अंकल जी हैं, इनके चाचा अयुब प्रमुख साहब, वो एडवोकेट भी हैं और जी ब्लॉक प्रमुख रहे और जिला पंचायत सदस्य, अब वो चुनाव लड़ेंगे, वो प्रत्याशी हैं हाल के, और जनता इनसे काफ़ी जुड़ी हुई है, इनके सखी होने के नाते जनता के लिए खैरात सदका और जनता की मदद हर किस्म के माहौल में जनता के हर दम बीच में रहे जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जबरदीन है जी। चौहान जी ने जो काम किया यहाँ पे उससे खुश हैं? बहुत संतुष्ट है जी। अच्छा, क्या क्या, किस तरह से संतुष्ट है आप? ये संतुष्ट ये है जी, जो 40-50 साल से काम नहीं हुआ था वो हमारे अकरम चौहान जी ने कराया। काम नहीं हुआ था, बहुत सड़क गांव से मिली हुई नहीं थी, घड़ोंचे टूटे हुए थे, सड़क टूटी हुई थी जी, वे सब जो है तो अभी भी टूटी हुई है? नहीं जी, है तो जी, बहुत काम कराया अकरम भाई ने भी, और मैं तो यही कहूंगा जी कि बार बार ऐसे ही आदमी से मौका देना चाहिए, जो काम जी जो रह गया है वो मौका देना चाहिए, दोबारा से सही करवा देंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, तो ये थे हमारे कैराना गाँव के अंदर जो मौजूद है, गाँव में मौजूद हैं हम, वहाँ के जनता जनार्दन है जो इनको सब कुछ पता होता है, कौन से प्रत्याशी ने काम किया किसने नहीं किया, उनसे बात कर रहे थे, इनका कहना है कि इनके काम से, चौहान जी के काम से संतुष्ट है।